हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है उसने एक अभी एक लिस्ट क्लियर करी है और काफ़ी बच्चे उस लिस्ट को लेके कंफ्यूज हो रहे हैं। इवन कहीं ना कहीं मैं भी कंफ्यूज हो गई थी और ऑलमोस्ट मैंने वीडियो बना भी दिया था। तो उसमें मैंने यही बोला था कि वो मेरिट लिस्ट है, बट वो मेरिट लिस्ट नहीं है। कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है सभी को, तो थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करके आप क्लियरली यहाँ पर लिस्ट देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है पीजी एडमिशन पे जाओ। और पीजी एडमिशन पे जाने के बाद देखो यहाँ पे एक लिस्ट निकली हुई है। तो ये लिस्ट मेरिट लिस्ट नहीं है, कहीं ना कहीं मैं भी कंफ्यूज हो गई थी उसके लिए सॉरी। ये लिस्ट मेरिट लिस्ट नहीं है, ये लिस्ट वो लिस्ट है। जैसे आपने बोला ना कि मैम मुझे ये कन्फ्यूज़न है कि यहाँ पे मेरा हो गया है फॉर्म सबमिटेड या नहीं हो गया है, क्योंकि मेरा इनकम नहीं था, माइग्रेशन नहीं था, ये गड़बड़ था, वो गड़बड़ था। तो फिलहाल इसने ये दिखाया है कि भाई आपका पूरी तरह से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गया है, ठीक है। मतलब आपने जो फ़ी सबमिट करी थी रजिस्ट्रेशन की, तो यहाँ पे उसके लिए बोला गया है कि हाँ आपका पूरी तरह से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो उनकी लिस्ट है ये, जिन बच्चों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है कि हाँ मैं इस यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, कि भाई हाँ मुझे यहाँ पे फॉर्म फिल करना है और मुझे यहाँ पे एडमिशन लेना है। तो इसने क्या किया है, जिनके फॉर्म पूरी तरह से सही हैं, जिनका इनकम और ये सारा सब कुछ उनको ठीक लगा है, सब कुछ क्लियर है, तो इसमें आप यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, मतलब आप यहाँ पे रजिस्टर्ड हो गए हो। अब वो अपनी मेरिट लिस्ट निकालेगा और मुश्किल से आज शाम या कल तक का इसका लिस्ट निकल आएगा, और वो लिस्ट जो होगी वो आपकी मेरिट लिस्ट होगी। बेसिकली उस लिस्ट में आपको ये देखना होगा कि आपका नाम है या आपके मार्क्स अकॉर्डिंग वहाँ पे होगा या नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुई थी, बट उसके लिए सॉरी। आप भी कन्फ्यूज मत होना, इसलिए मैंने ये वीडियो आपको बना के दे दिया है। इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपली जाना है, आपका नाम देखना है और नाम अपना सर्च करके ऊपर से देख लेना है कि आपका यहाँ नाम है या नहीं है। इससे आपको ये सुकून मिल जाएगा कि यहाँ पे आप रजिस्टर्ड हो गए हो, आपका डाटा इस यूनिवर्सिटी के थ्रू इस यूनिवर्सिटी तक पहुँच गया है, और अब अगर यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट निकालती है तो आपका नाम होगा या नहीं होगा ये इस पे डिपेंड करता है। मतलब आप पूरी तरह से रजिस्टर्ड हो गए हो। जिनको ये कन्फ्यूज़न है कि ये नहीं समझ आ रहा है कि हाँ आपका यहाँ पर डाटा गया है या नहीं गया है, आपका फॉर्म गड़बड़ हो गया है, तो इसके लिए अभी बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, जिनका भी इस लिस्ट में नाम है। तो हम इस लिस्ट में एक बार देख लेते हैं, आज इस लिस्ट को हम एक बार क्लियर कर लेते हैं। इस पर आप क्लिक करोगे ये लिस्ट डाउनलोड हो जाएगी। इसको डाउनलोड करके आप इस लिस्ट में अपना नाम ढूंढ लो, और नाम ढूंढ लोगे तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ आपका यहाँ पे रजिस्टर्ड हो गया है, मतलब आप यहाँ पे आपका डाटा पहुँच चुका है पूरी तरह से। तो आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गई थी, बस अभी मैंने इसे ले क्लियर कर दिया। और वो वाला मैंने वीडियो जो ऑलमोस्ट अपलोड हो गया था, इसलिए मैंने उसको भी प्राइवेट उस पर डाल दिया है। और ये है फिलहाल जो पेड सीट, मतलब आपने पेड कर दिया है यहाँ पे उनके लिए। तो आप यहाँ पे अपने नाम ढूंढ लेना, यहाँ पे ऊपर सर्च बटन पर जाना है। जैसे कि मैंने बोला कि मैंने शैली का नाम ढूँढा, शैली, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो देखो ये शैली आ जा रही है, शैली सैनी। आपको जो भी डालना है आप डाल के यहाँ से आप सारे नीचे ऐसे ऊपर वाली क्लिक करके एक ही रिजल्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हो इसको, ओके। तो यहाँ पे आप अपने नाम देख लेना, एम फार्मा वाले बच्चे इतने रजिस्टर्ड किए हैं, और एम फार्मा है, और फार्माकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इंग्लिश है, हिंदी है, और पब्लिक पब्लिसिटी है, स्पोर्ट्स है, इनोवेटिव जो बीएड इनोवेटिव फिजिक्स केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायो टेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, और इन सब में इवन यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को लिया गया है केमिस्ट्री प्लस कंप्यूटर साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी और न्यूरोसाइंस, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि एमबीए में बहुत सारे बच्चे हैं, कॉमर्स में हैं, सोशल वर्क में हैं, और ये आपके लास्ट है। तो ये जो लिस्ट थी ये पेड सीट यहाँ पे लिखी हुई, थोड़ी सी इसीलिए कन्फ्यूज़न हो गई थी यहाँ पे मुझे, क्योंकि मैंने एक वो अब मैं क्या ही बताऊँ, मैं YouTube पे गई, वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी कि हाँ लिस्ट आ गई, एक कोई बता रहा था मेरिट लिस्ट आउट हो गई, अब मैं उस पर देख कर ये कन्फ्यूज़ हो गई और मैं यहाँ पे आई हूँ। मैंने ये चीज़ पढ़ी लेकिन पता नहीं क्यों कन्फ्यूज़न ही रही, मुझे कन्फ्यूज़ ही रही। तो कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे देख लो ये पेड सीट वाले हैं, मतलब जो पेड के लिए पेड कर चुके हैं अपनी फ़ी को, यहाँ पे रजिस्टर्ड कर चुके हैं अपने आप को, उनके लिए है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ मत होना, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो मेरिट लिस्ट में मैं बना के दे दूँगी, और मेरिट लिस्ट आज शाम या कल तक का उसकी क्लियर हो जाएगी। थैंक यू।